नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बेंगलुरु से पूरे मिशन को कमांड दी जा रही है। अंतरिक्ष से एक अच्छी खबर यह भी है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 का स्वागत किया है। मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर भारत के वैज्ञानिक काफी ज्यादा सतर्क है। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक है। लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह तलाशने के बाद चंद्रयान 3 डिसेंट ऑपरेशन शुरू करेगा। जब तक लैंडिंग के लिए सही और सुरक्षित जगह नहीं मिलती, तब तक इंतजार किया जाएगा। आइए जानते हैं मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ खास बातें जिन्हें हर किसी को पता होना चाहिए। सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3। लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान से युक्त चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सबसे करीबी कक्षा में पहुंच चुका है। 140 करोड़ भारतीय उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब बुधवार 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग से 2 दिन पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें जारी की जहां लैंडर उतरने वाला है। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम में लगे विशेष लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी LHDAC ने खींची हैं। सॉफ्ट लैंडिंग कर नया इतिहास रचेगा भारत। यह कैमरा लैंडिंग का उपयुक्त स्थान खोज रहा है। यह कैमरा चांद की सतह की तस्वीरें खींचकर खतरों यानी उबड़ खाबड़ सतह या गहरी खाइयों का पता लगाएगा और सुरक्षित स्थान की पहचान कर सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करेगा। इसे अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SSC ने विकसित किया है। इस बीच इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लैंडर मॉड्यूल का पूरा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैठक के दौरान जितेंद्र सिंह ने भरोसा जताया कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर नया इतिहास रचेगा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के लैंडर ने साधा संपर्क। इसरो ने सोमवार को कहा कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल के बीच संपर्क स्थापित हो गया है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया, स्वागत है दोस्त। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया। दोनों के बीच संचार स्थापित हो गया है। भारत ने 2019 में ऑर्बिटर लैंडर और रोवर से युक्त चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन अंतिम क्षण पर लैंड और रोवर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी वहां है और कार्य कर रहा है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।